प्यार के सदके का एपिसोड 12 लेके आ चुके हैं। शुरू करते हैं अभी गो। ओहो, वलीमे की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। ये गर्ल्स के इस तरह के जो इंडिकेशंस होते हैं मुझे समझ नहीं आते हैं, क्योंकि हम इससे रिलेट नहीं कर सकते ना, हम लड़के हैं। शादी पे जाओगे कि नहीं? जी, मीर साहब ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, बड़े खानदान में शादी हुई है इसकी। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता था, अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो इस वक्त उस पागल लड़की की बजाय शान से हमारे घर की बहू होती। फिर जाओ अपनी शादी का दावतनामा उसको देके आओ, देखता हूँ कितना हैप्पी हो तुम। हाँ, पर्सनालिटी में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बस ये हकलाना नहीं। और हाँ, उस पागल लड़की को भी साथ ले जाना। इंसल्ट करता है उसको, बहुत गंदी इंसल्ट करता है। Look at this. क्या हुआ? क्या कर दिया तुमने इसे? Beautiful. अम्मा भी मुझे बड़े वाले पाले लेके गई थी, एकदम बड़ा मजा आया था। बड़ा मजा आया था। कैसे होती है खाला जान? हमारे फैमिली मेंबर्स को सूट नहीं करता ना। अब तुम खाला को खाला कहना चाहती हो तो कहो, लेकिन मॉम को मॉम कहा करो। अब कहो मॉम, मॉम। आ गया तुम्हारा शौहर, जाओ रिसीव करो उसे। जा रिसीव तो मेहमानों को करते हैं, ये तो अपने घर में आ रहे नहीं। ये रोमांस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बहाने होते हैं, जाओ लेके आओ उसे, जाओ। रोमांस भी सासू माँ को सिखाना पड़ रहा है भाई। हाँ, अब ये देखेगा तो देखते रह जाएगा भाई लगता। इसको तो इसका तो दिमाग खराब कर दिया उसने। हाँ, क्या हो गया इनका मूड क्यों ऑफ हुआ? मैं तो रिसीव करने आई थी, उन्हें अपनी तैयारी दिखानी थी। मेरी नजर से देखो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। ओह, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, खाला जान को देखा है आपने? इतनी प्यारी है वो, इतने अच्छे बाल हैं, इतनी खूबसूरत आंखें हैं उनकी, उनको देखो आप। हाँ, आपके लिए वो ही है। हेलो हेलो हेलो, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा, हड़का दिया होगा। पश्मा, उसकी नस नस से वाकिफ है भाई। अब माजबीन, ये कौन है? मॉम? मॉम नहीं, मम। मम, मम। और ये डैड। ये सही था, डैड। वैसे सर्वर भी कहोगी तो भी चले, जो आप लोगों की मर्जी। जबरदस्ती अपने शौहर से अपनी तारीफें करवाओ, उससे बोलो तुम्हें कैजुअल ड्रेसेस दिलवा के दे, और डिज़ाइनर से वलीमे का ड्रेस भी तो पिक करना है ना। जी, तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? थैंक यू। जब किसी के लिए कुछ करते हैं, थैंक यू, ये कर्टसी होती है। अब ये क्या है? कर्टसी मतलब मतलब तमीज़। अब फॉर्मेलिटी बोल दो। आप भी तो सीख गए सर, ये भी सीख जाएगी। तुम भी जाओ बेटा। जी। उठाओ मैं जब ही उठाओ उसको। क्या है? अच्छी नहीं लग रही। किसने कहा? नहीं, आपने अच्छा भी तो नहीं कहा ना। अब गौर से देखा लगता है। बोलना जरूरी होता है भाई। अच्छी लग रही हूँ। उसने उसको गौर से देखा ही नहीं था, वो सोच में डूबा हुआ था। तो मैं कह रही क्या है? मैं कह रही थी कि फिर मुझे वो कर्टसी शॉपिंग कौन कराएगा? कर्टसी शॉपिंग? कर्टसी घर में पहनने वाले ना आम कपड़े। कैजुअल कैजुअल। तीन लफ्ज़ सिखाए वशमा ने, कर्टसी, कैजुअल और मॉम। मॉम, मॉम, मॉम। इसने वहाँ पर मॉम ही बोला था, लेकिन उसकी मॉम ने बोला मम बोलो। मुझे सोना है अभी। मैं वैसे एक दिन में तीन अल्फाज सही हैं, ऐसे ना हो कि याद ही ना रहे तो फिर आपसे डांट पड़ेगी ना। आजबीन, प्लीज 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 तो आता है।
गॉड का भी पता है अल्लाह मियां जी ओह गॉड अल्लाह मियां जी शॉपिंग कब जाएं बाहर में आ जाना कहाँ जा रहे हो वो शॉपिंग करके जा रहा हूँ हाउ नाइस रात का खाना भी बाहर खाता हूँ दोनों तबीयत ठीक नहीं है मैं बाद में खा लेंगे खाना चलो तुम बैठो मैं ले जाता हूँ तो सुबह भी ना वो वशमा के साथ गई है अच्छा है अगर अब्दुल्ला उसको घुमाने फिराने ले जाए तबीयत वैसे भी ठीक नहीं मैं किसी और दिन ले जाऊँगा पक्का मैं तैयार होके आता हूँ लेकिन आप पूरा दिन दफ्तर में गुजार के थके टूटे आए हैं वापस तो क्या हुआ भाई कोई तो लेके जाए इसको तैयार हुई भी ए, सीमा मुंशी जी आप बता ही देते फोन करके कि आप आ रहे हैं आज कॉल की थी माजलीन को इस्तेमाल में नहीं मुझसे तो कुछ नहीं कहा वो जी मैं अंडों का हलवा बना कर लाई थी उसे बहुत पसंद है अंडे का हलवा बहुत मस्त लगता है कहाँ है वो शॉपिंग करने के लिए गई है लेकिन अब्दुल्ला यहीं पे मैं बुला सकती हूँ उसे अकेले शॉपिंग करने गई है उसे तो बिल्कुल अकल समझ नहीं है नहीं नहीं सर्वर साथ गए हैं वो शॉपिंग करेंगे और खाना खा के फिर वापस आएंगे ओ यार देखो ये चीज़ तो गलत है ये इसकी माँ को खुद ही सोचना चाहिए कि सुसर के साथ अकेले नहीं पहुँचा खाना खा के भी आएंगे साथ में मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी आप तो जानती हैं बेगम साहिबा देखिए मुंशी जी आपके जितने भी मसले मसाइल हैं सर्वर के साथ ना वो अपनी जगह लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन चुकी है उसका जितना भी अच्छा ताल्लुक रहेगा ना घर वालों के साथ तो घर का माहौल ठीक रहेगा दरअसल हमारे यहाँ जवान बच्ची गैर मर्द कैसी बातें कर रही हो सीमा नहीं बेगम साहब ऐसी कोई बात नहीं हमारे कहने का बस मतलब इतना है कि आप तो माजबीन की आदत जानती हैं बहुत मासूम है जो बात आती है दिल में बोल देती है बस इस बात का डर खौफ रहता है कि कहीं उसके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो साहब को बुरी लगे और अब वो जैसी भी है ना हम सर्वर से छुपा तो नहीं सकते बेहतर नहीं है कि सर्वर को अभी से ही पता चल जाए आदत पड़ जाएगी ना फिर उसकी हम सबको सीधे बता देना चाहिए इनको यार अब तो नौकरी से भी जा चुका है बीवी कहाँ है तुम्हारी वो डैड के साथ शॉपिंग करने गई है किराए के अब्बा के साथ शॉपिंग करने गई है और तुम शांति की शादी का सोग मनाने आ गए हो मैं जा रहा हूँ नहीं अब आए हो तो दो चार बातें सुनकर ही जाओ देखिए आपका लाडला भतीजा क्या कारनामे करके आया है कारनामे तो बहुत बड़े करके आया है मजा आया शॉपिंग का किस बात का मजा ऐसी बिला वजह में इतने सारे कपड़े खरीद लिए आपको पता है फजूल खर्ची का कितना गुनाह मिलता है नहीं अगर अम्मा को पता चल गया ना बड़ा नाराज होंगी जहेज में जो इतने सारे कपड़े उन्होंने दिए आधे वापस ले लेंगी संदूकचे में रख देंगी वापस फिर संदूकचे में किसका जहेज मेरा और किसका मैं एक ही तो औलाद हूँ अपने माँ बाप की तुम्हारी शादी हो चुकी है अरे हाँ भूल ही गई पता इसीलिए पास नहीं होती थी मैं ये भुलक्कड़ पने की वजह से भूल जाती थी वैसे ऐसी शादी भूल ही जाती बेहतर लेकिन मेरी बात सुने ये जो शादी भूलने वाली बात है ना ये आप छोटे साहब को मत बता दीजिएगा पता उनका बड़ा दिल दुखेगा जिस लड़की से वो प्यार करता था ना उसकी शादी होने कार्ड भी बढ़ चुके हैं दुख की बात तो है वैसे इसको भी भड़का रहा है उधर से उसको भड़का रहा है हाँ को ना पकड़ के बैट से मारना चाहिए हमने बोला था माजी से शादी करने को हाथ नहीं उठाना मुझ पे क्यों ना हाथ उठाऊं प्रेशराइज किया था हमने किया था कि नहीं नहीं अपनी मर्जी से माजबीन से शादी की है तो मसला क्या है I can't even take her out with me. क्या क्या करूँ मैं बताओ लंगड़ी है वो गुंगी है No.
खूबसूरत है ना। तो मसला क्या है? अच्छा वशमा, मुझे भी बात करने दोगी या नहीं? फुप्पो को फो कर दिया। सर्वर ने तुम्हारे कान तो नहीं भरे? सच सच बताना। समझ गई। डैड ने मुझे सिर्फ वो बातें बोली जो सच है, बस वही बातें बोली। देखा, इसी बात का शक था। मुझे एक बात बताओ तुला, ये सर्वर बार बार माजबीन की बात क्यों करता है? तुम क्या नहीं जानते माजबीन कैसी है? बताओ मुझे, तुम नहीं जानते माजबीन को? हाँ जानता हूँ। तो फिर वो एक ही बार बार क्यों बताता है? अच्छे से गाइड कर देंगे इसको। प्रॉब्लम मुझ में है, इट्स मी जिसमें प्रॉब्लम है, क्या करूँ मैं? कुछ नया बताओ ना, हम सबको ये पता है। बताओ प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली है। और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का क्या हाल है? वापस शांजे के पास जाना चाहते हो मजीद जलील होने के लिए? नहीं, यू नो व्हाट, तुम जाओ, तुम जरूर जाओ, लेकिन अपनी बीवी को साथ लेकर उसे अच्छी तरीके से तैयार करवा के, ताकि उसे भी एहसास हो कि तुम खुश हो। बाज़ औकात इंसान खुश नजर आने की कोशिश में अपनी बाकी टेंशनें भी भूल जाता है। उसने इमरान को कोई स्टुपिड हरकत की तो तुम्हारी तरह तुम फिर बोली? तो अब्दुल्ला करने दो ना, जब बीवियाँ स्टुपिडिटी करती हैं और उनके हस्बैंड्स इग्नोर कर देते हैं तो तुम्हें नहीं अंदाजा लड़कियों को ये बात कितनी अट्रैक्टिव लगती है। क्या क्या ही? खोलो तो सही, तुम्हारे वलीमे का कार्ड। पता नहीं खाना कब आएगा, घर भी तो जाना है ना। बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हें तुम्हें मुझ जैसा कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। अरे बाप रे, ओ भाई आप फिक्र ना करें, मेरा शौहर तो मुझे बहुत चाहता है, प्यार करता है, मुझसे ख्याल भी रखता है। और आप तो ना ही बात करें, आप ही तो हर वक्त मुझे घर से बाहर निकालने के चक्करों में रहते हैं, उसका क्या है? अब से नहीं दोस्त, मैं तो फट से दोस्ती कर लेती हूँ, बड़ों से तो मेरी ऐसे दोस्ती हो जाती है, अम्मा अब्बा से तो वैसे दोस्ती है, आपसे भी हो जाएगी। छोड़ भाई छोड़, हाथ 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 छोड़ दे, इधर ही टेंशन में आ गए। सर्वर लेके गया है अपनी बेटी को। हाँ क्या हुआ, क्या सोच रहे? कुछ नहीं, वैसे ही वो माजबीन को कॉल करो, पूछो घर पहुंच गई। अब लड़की ब्याह दी है ना, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ कीजिए, वो उसका ससुर है अब बस। नहीं सीमा, वो किसी का कोई नहीं है, की नियत में खलल है, वरना वो हमारी बेटी को अकेले इस तरह शॉपिंग पर नहीं लेकर जाता। माजबीन इतनी अकलमंद नहीं है कि उसकी नियत को भांप सके। कुछ ऐसा वैसा देखा है नहीं, बस अंदाजे करके खुद भी हौल रहे और मेरा दिल भी हौला रहे। बेगम साहिबा के तेवर तो आपने देख ही लिए थे सर्वर के जिक्र पे। मैं ना वलीमे पे माजबीन को समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। यार स्टॉप इट प्लीज। क्या करूं, नींद नहीं आ रही। लेकिन मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सर्वर तो कह रहे थे तुम काम हम नहीं करते। उसे खुद कहा है कि मुझे सर्वर कहा करो। हाँ आप क्या बोला करो, बड़े हैं तुम्हारे। बस की बात है, उसके साथ कोई इज्जत विज्जत फील नहीं होती। वो तुमसे क्या क्या रही थी बताऊं? कह रहा था कैसे कुछ नहीं आता जाता। झूठ बोलने सारा काम आता है मुझे, मगर कुछ कोई बोलने नहीं देता मुझे। बात है ना, छोटे साहब होके भी कोई बात ही नहीं सुनता। आज ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लेंडर पकड़ा था मैंने। हाँ कसम से। फिर
डांट के चुप करा दिया सबने मुझे बिला वजह। हाय ला, हाँ बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। मैं जब जब फेल होती थी आ जाते थे सब घर वाले मोहल्ले वाले अम्मा बेइज्जती करने के लिए। भला बताओ अगर मैं फेल हो ही गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाओ। ओ तुम तो पढ़ती भी नहीं थी। मैं कम से कम पढ़ता था, काम भी करता हूँ, फिर भी मुझे सुनाते हैं। मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो मैं पढ़ती नहीं थी। पास होती थी। तुम पास होते थे? होता था मैं पास। मैथ्स में? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में होशियार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ताने तोड़ से देखे मार दो। तुम मार दो ये तो मैं भी पास हूँ। अच्छा जी, झूठ। किसमें? ड्राइंग में। ड्राइंग? मैंने कॉपी किताबें रद्दी वाले को बेच दी, वरना एक गुड भी था मेरे पास। गुड? लेकिन मेरा यकीन कौन करेगा? यही मसला है हम कमजोर पढ़ने लिखने वालों का। जितना मर्जी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो सब ताने मार के चुप करा देते हैं। रिलेट कर रहा है उससे। सही बात है। ऐसा ही है। सॉरी। फ्रेंड्स 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 वो एक बात कहूँ? हाँ। मेरे साथ के पास जाना है वलीने का इनविटेशन लेके, तो अच्छे से तैयार हो जाना, हम कल जाएंगे उनको उनके सामने प्रिटेंड करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे हम भी खुश हो जाएंगे। साहब कौन है? वो शांजे के अब्बू। तुम्हारी महबूबा? ये क्या महबूबा महबूबा कहती रहती हो, अच्छा थोड़ी लगता है। प्लीज। अच्छा माशुका। माशुका तुम एक्टिंग कर लोगी? एक्टिंग की क्या बात है, मैं तो पहले ही बड़ा खुश हूँ। मुझे यही चाहिए बस। ठीक है बस कल हम जाएंगे आराम से। हाँ ठीक है, लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। नादिर को? पांचवी जमात में पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की फिर मुकर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका। सड़की को मैंने अच्छी तरह देख लिया, ये गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। Even I can't help you. ना इसे बात करना आता है ना पहन ओढ़ना आता है। वक्त के साथ सीख जाएगी सब कुछ। तुम इसे तलाक दे के ना इसको वापस भेजो, फारिग करो इसे। हेड मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ उसे? मैं सिखा दूंगा ना वक्त के साथ, तो सब ठीक भी हो जाएगा। बेटा अगर सिखा सकते हो तो पहले खुद को सिखाते। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हारी बहन ने और तुम्हारी फूफो ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह की। उनको इनके खिलाफ ही भड़का रहा है भाई। I've decided. हमारी एंट्री हेलीकॉप्टर पे होगी। ओ ये है इसका फियांसे। I don't think that's a good idea because हेलीपैड से वेन्यू तो हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे। But I think हम लोग बग्गी ड्राइव कुछ कर सकते हैं। No, Shanze. I hate typical royal team. Royal teams are so in these days. और मैंने तो पूरी शादी की टीम मुगल रखी हुई है। What? तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले लिया? Well, we're sitting right now. We're having a table talk. Decisions इसी तरह लिए जाते हैं। मैं तुमसे बात करती रही हूँ इस बारे। मैं अंकल को कॉल कर रहा हूँ और उनको बोलता हूँ कि सारे थीम वेस्टर्न पे रखें। No, you can't do that. मैं अपना ड्रेस ऑर्डर कर चुकी हूँ and it's in red color. तुम लाल रंग कैसे पहन सकती हो? I mean, it's such an outdated color. No, wait, Isa. Every bride wears a red dress. Shanze, मेरी दुल्हन रेड कलर का ड्रेस नहीं पहनेगी. And that's final. इनका भी सही नहीं चल रहा। तुम इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो ईसा? ये तो सही है, रेड ड्रेस ही पहनाते हैं। एक मिनट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। माजबी उसको रेडी इस बार फेस नहीं करवाया। सब कुछ तेरे नाम है कैसे आगे।
पहुंच गए ना, लग रही है ना प्यारी, बहुत मेहनत की है ना। या इसका फादर यहाँ क्यों आ गया है? गुड गुड, इन दोनों को ही जाना था। और प्यारी अपना मुंह ना खोले वरना हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मुंह खोल भी दे तो मासूमियत नजर आए, लेकिन जिनके बंद मुंह से मकारी नजर आती है अगर वो अपने मेकअप का इंतजाम कर लें तो ढके छुपे रहेंगे ना। फोड़ के रख देती है। मजा आता है जब सर्वर को सुनाती है ना। जाओ कीस प्लीज। ये पूछ रहा है जाओ, वो बोल रही है डायरेक्ट कीस प्लीज। चलाना आती है उसको, ये अच्छी बात है। एपिसोड इधर ही एंड होता है। अब देखते हैं यार ये इनविटेशन देने जाते हैं तब क्या होता है। अगर उनका झगड़ा चल रहा है और बीच झगड़े में जाए तो और मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार वो जो बंदा है उसका फियांसी है वो बिल्कुल भी उसकी नहीं सुन रहा है, बहुत रूड है, बहुत खराब है। और तब उसको समझ में आएगा कि ये कितना इनोसेंट था। और मुझे लगता है ये कहीं वो वापस इसके पीछे ना लग जाए उसको छोड़ छाड़ के। हाँ देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये हो सकता है कि शायद वो जेलेस होने लगे कि यार अब्दुल्ला ही सही था, ये गलत फंस गई मैं, ये वो ऐसा वैसा। हाँ लेट्स सी क्या होता है। आप बताना दोस्तों, आप ये मत बताना आगे क्या होने वाला है, आप ये बताना आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ ऐसी डिटेल शेयर करना चाहो जो हम नहीं जानते वो शेयर कर देना बस, ये लेकिन ये स्टोरी मत रिवील कर देना बिल्कुल, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। तो बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।